नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जनरल स्टडी ग्रुप में। अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। दोस्तों, हम रेगुलर वीडियो लाते रहते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार एमएन परीक्षा 2020 में जो होगा उसका प्रैक्टिस सेट 4 लाया है। इससे पहले हमने 3 सेट बना चुके हैं, 1, 2, 3। दोस्तों, अगर आपने वह नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से देख लीजिए, या तो डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो को देख सकते हैं अगर नहीं देखे हैं तो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए आज का वीडियो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सुन की खोज किसने की थी। आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, उसको चार ऑप्शन में से एक ऑप्शन बताना है। दोस्तों, अपने कॉपी कलम पे 150 तक के क्वेश्चन को आप चेक कर सकते हैं, आपका कितना क्वेश्चन सही होता है इसे पता कर सकते हैं, आपका कितना रिजल्ट होगा, और बता कमेंट करके बताइएगा आपके 150 तक में आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ। इसका सही आंसर है दोस्तों आर्यभट्ट। चलिए दोस्तों, आर्यभट्ट के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जो विश्व के सबसे महान गणितज्ञ और खगोलियों में से एक थे, आर्यभट्ट को शून्य के आविष्कार का श्रेय दिया जाता है। दोस्तों चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, याचना शब्द का बहुवचन क्या होगा, बहुवचन रूप क्या होगा। इसका आपको चार ऑप्शन दिया गया, बताइए इसमें से क्या होगा। दोस्तों, याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होगा दोस्तों, दूसरा नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तीन नंबर। ये सब हिंदी का क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छांटिए, सही विकल्प इसमें से कौन सा बताना है आपको दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर है बी नंबर ऑप्शन, तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, जिसमें आपको डिस्क बताना पड़ेगा कि किसमें और क्वेश्चन क्या होगा इसके बारे में, तो हम उसको सारा डिटेल आपको बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चौथा नंबर, सर्जिस शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा होगा। चार ऑप्शन आपके सामने में दिया गया है दोस्तों, बताइए। इसका सही ऑप्शन आपको बी नंबर ऑप्शन होगा, नलिन। अब देखिए, इसका सर्जिस का और क्या क्या पर्यायवाची शब्द बनेगा दोस्तों। इसका अन्य पर्यायवाची शब्द बनेगा पंकज, कमल, राजीव, सरोज, ये सब के और पर्यायवाची शब्द बन सकते हैं। अगर इसके अलावा और कोई शब्द दिया गया तो उसको आप कैसे छांटिएगा। चलिए दोस्तों, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं पाँच नंबर, उपमेय, उपमान, साधारण, धर्म और वाचक किस अलंकार के भेद है। आपको चार ऑप्शन में से देख के बताना है कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों उपमा अलंकार। इसका सही आंसर है उपमा अलंकार। देखिए, उपमेय, उपमान और साधारण धर्म और वाचक उपमा अलंकार के भेद हैं। जहाँ भिन्नता रहते हुए भी उपमान के साथ समानता दिखाई गई जाए तो उपमेय उपमा अलंकार होगा दोस्तों। इसके चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है। कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण, बताइए। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, अनिश्चित संख्या वाचक विशेषण। देखिए दोस्तों, जो शब्द संज्ञा की संख्या संबंधी विशेषता बताए उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लेकिन इसमें तो कई दशक गण है तो इसमें क्या हो जाएगा, अनिश्चित संख्यावाचक उसे विशेषण होगा। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, मुहावरा से रिलेटेड है। चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया है कि तुम्हें डैश चाहिए, सही मुहावरे में छांटिए में से कौन सा इसमें मुहावरा फिट होगा, बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें सही मुहावरा आप चुन लिए होंगे अभी तक हम। इसका सही आंसर है दोस्तों चुल्लू भर पानी में डूब मरना। अब देखिए, चुल्लू भर पानी में डूब मरने का सही अर्थ क्या होगा, बताइए दोस्तों। इसका सही अर्थ होगा शर्म के मारे मुंह ना दिखाना। मान के कोई ऐसा गंदा काम कर देता कहता कि तुमको चुल्लू भर पानी में डूब के मरना चाहिए, तो उसका अर्थ होता है शर्म से मुंह ना दिखाना। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं आठवां नंबर क्वेश्चन पर। आठवां क्वेश्चन है, यह जीवन क्या है, निर्जर है, इस वाक्य में उपयुक्त अलंकार पहचानिए, कौन सा अलंकार होगा, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, रूपक अलंकार। अब देखिए, पता करते हैं हम लोग रूपक अलंकार कहाँ लगता है, कहाँ होता है। जहाँ उपमेय पर उपमान का आरोप करते हैं, दोनों में अभेद बताया जाए वहाँ रूपक अलंकार होता है दोस्तों, समझे दोस्तों। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। अर्थ के अनुसार से डैश के कुल डैश भेद हैं, सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं, बताइए दोस्तों। चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए, इसका कौन सा आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर ऑप्शन, संबंध बोधक अव्यय 8। मतलब अर्थ के अनुसार से संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद होते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं दसवां नंबर पर। रति पति शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए, कौन सा होगा। आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है पंचर, सी नंबर ऑप्शन दोस्तों। देखिए, रतिपति शब्द का समानार्थी अर्थ होता है पंचर। इसके अन्य समानार्थी शब्द हैं मनोज, अस्मर, पुष्प, सौंदा, धंदा, मदन, ये सब होकर इसका अलग अलग समानार्थी शब्द हो गए दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं।
पर्यावरणीय जागरूकता के अंग्रेजी अक्षर पी के आरंभ होने वाले प्रसिद्ध तीन शब्द इसमें से कौन से, आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, बताइए कौन सा होगा। 11 नंबर का बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, पोल्यूशन प्रॉपर्टी पोल्यूशन, पॉपुलेशन पॉपुलेशन प्रॉपर्टी और पोल्यूशन। इसका देखिए पहला का होता है आपको, इसका हिंदी होता है आबादी या जनसंख्या पॉपुलेशन, या पॉवर्टी का होता है निर्धनता जो होता है गरीबी, जिसको बोल जाते हैं गरीबी निर्धनता, और इसका पॉपुलेशन पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण। आप लोग तीनों तो जानते ही होंगे दोस्तों, तो तीन पी का मतलब समझ गए होंगे, पॉपुलेशन मतलब आबादी, पॉवर्टी मतलब गरीबी, या दशा पोल्यूशन मतलब प्रदूषण। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, इसका डी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक तत्व एक्स की चर संयोगता 3 एवं 5 है तो इसके द्वारा निर्मित ऑक्साइड का सूत्र कौन सा होगा। इसको हम सूत्र बनाने के लिए आपको बताएंगे कैसे होगा, पहले देखिए इसका आंसर बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, H2O3 एवं H2O5। अब ये कैसे होगा वो देखिए, पहले एक बार क्या कहता है एक्स की चर संयोगता 3 है, तो एक बार एक्स की संयोगता संख्या कितनी ले लेंगे, 3 लेंगे। O2 का तो हमको पता है कि ऑक्सीजन का पता कितना होता है, 2 होता है। इसको देखिए कैसे बनाएंगे, देख तो एक्स ले लिए ओ ले लिए, ठीक है। एक्स का हमको एक बार कहता है 3 लेने के लिए, ठीक है, 1+2 हो गया, ठीक है। अब आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखिए एक बार इधर से करेंगे एक बार इधर से, कितना हो गया X2 हो गया, ये हो गया O3, ठीक है, ये समझ गया। पहला हो गया X2O3, अब देखिए दूसरा कैसे निकालेंगे, दूसरा कह रहा है आपको कैसे, दूसरा कह रहा है तो दूसरे बार हमको कह रहा है X=5 होगा, देखिए दूसरा बार फिर ले लेंगे, एक्स हो गया ओ हो गया, दूसरी बार एक्स का मान 5 हो गया, इसके मान हो गया 2 हो गया, तो फिर देखिए क्या होगा X2O5 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे X2O5, देखिए बी नंबर में X2O5 है ना दोस्तों, ये से बनता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, बिहार के पटना संग्रहालय की सर्वाधिक चर्चित मूर्ति कौन सी है, फेमस मूर्ति कौन सी है। आपको चार ऑप्शन दिया गया है, बताइए दोस्तों कौन सी है। इसका सही ऑप्शन अगर आपने चुना होगा तो सही आंसर है इसका डी नंबर ऑप्शन, दीदारगंज की प्राप्त दक्षिणी मूर्ति है दोस्तों, कौन सी है डी नंबर ऑप्शन, दीदारगंज से प्राप्त दक्षिणी की मूर्ति है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार के चारे घोटाले की जांच हेतु राज्य सरकार द्वारा किस आयोग का गठन किया गया है। दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन में गलती हो चुका है दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन ये इसमें से कोई नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा आपको मुख्य उपाध्याय आयोग। चलिए गलती के लिए दोस्तों क्षमा चाहते हैं, मुख्य उपाध्याय आयोग आयोग। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल विकपिक बिहार के किस जिले में स्थित है, विकपिक किस जिले में स्थित है। इसका चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए कौन से जिले में स्थित है दोस्तों, मधुबनी दरभंगा पूर्णिया सहरसा। इसका सही आंसर है दोस्तों मधुबनी, ए नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों इसके बारे में कुछ जानते हैं, विद्यापति का जन्म जो है बिहार के मधुबनी जिले के विश्वी ग्राम में हुआ था। विद्यापति हिंदी तथा संस्कृति साहित्य के प्रमुख विद्वान थे, वो सिंगार रस के कवि थे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, पंचायत राज प्रणाली पहले किन दो राज्यों में लागू किया गया, इसका सही आंसर है दोस्तों ए नंबर, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में कुछ जान लेते हैं ताकि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको आए तो आप उसको हल कर सकें। चलिए इसके बारे में बताते हैं, जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नौगार में पंचायत राज की पहली पीढ़ी की उद्घाटन किया था सर। उसी वर्ष बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पंचायती राज व्यवस्था को आंध्र प्रदेश में लागू किया गया दोस्तों। दोनों ही एक ही साथ किया गया था 2 अक्टूबर 1959 में दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, 17 नंबर, ग्रीन पार्क स्टेडियम है कहाँ है, बेंगलुरु में, देहरादून में, चंडीगढ़ में, कानपुर में। इसका सही आंसर है दोस्तों कानपुर में, डी नंबर ऑप्शन।
चलिए दोस्तों, इसका देखिए उत्तर प्रदेश का ये इकलौता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम है जो है ग्रीन पार्क कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का ये पहला इकलौता स्टेडियम है अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, आनंदवन स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आनंदवन जो है स्थापित करने के लिए कौन विख्यात है? आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से कौन सा होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों बाबा आप्टे ओमटे ओमटे। देखिए चलिए दोस्तों, बाबा ओमटे के बारे में आपको कुछ बता देते हैं ताकि इससे रिलेटेड और कोई भी क्वेश्चन पूछे तो बाबा ओमटे के बारे में तो आप बता सकें। तो आनंदवन आश्रम महाराष्ट्र के चंद्रपुर शहर में स्थित है और वोरोरा नगर स्थित ये आश्रम प्रसिद्ध समाज सेवी बाबा ओमटे की कर्म भूमि रही है जिनका जीवन कुष्ठ रोगियों के लिए समर्पित रहा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन है, गामा किरणें की अधिकतम सभ्यता होती है, सभ्यता किसके साथ होती है? गामा किरणें के साथ, अल्फा किरणें के साथ, बीटा किरणें के साथ, या एक्स किरणों के साथ, या अल्ट्रा वायलेट किरणों के साथ? बताइए इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों 19 नंबर का। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, एक्स किरणों के साथ। गामा किरणें जो होती है एक्स किरणों के साथ ज़्यादा सभ्य होती है, अधिकतम होती है। गामा किरणों की अधिकतम सभ्यता एक्स किरणों के साथ होती है और सभी धातुएं एक्स किरणों एवं गामा किरणों के साथ प्रकाश विद्युत प्रभाव दिखाती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर है। चलिए दोस्तों 20 क्वेश्चन, एक समीकरण बता रहा है दोस्तों, नीचे दी गई समीकरण अभिक्रिया क्या कहलाता है? देखिए CH4+Cl2 इसको प्रकाश की उपस्थिति में गर्म किया जाता है, CH3Cl+HCl। तो यह प्रक्रिया को क्या कौन सा प्रक्रिया कहते हैं दोस्तों? बताइए इसका सही आंसर है दोस्तों प्रतिस्थान अभिक्रिया कहलाता है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये सब इम्पोर्टेंट। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों और कमेंट करके बताइएगा आपको और क्या दिक्कत आया इस वीडियो में दोस्तों। 21 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे? इसका सही आंसर है दोस्तों ए जीबी मालवणकर। दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं, जीबी मालवणकर के बारे में, इसका पूरा नाम होता है गणेश वासुदेव मालवणकर। इनका 15 मई 1952 से लेकर 13 जनवरी 1956 तक भारतीय संसद के निम्न संसद लोकसभा के अध्यक्ष रहे दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1921 में नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इसका चार ऑप्शन आपको दिया गया है, बताइए किसके द्वारा किया गया था। 22 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, ड्यूक ऑफ द कैंटोन। चलिए दोस्तों के बारे में, 8 फरवरी 1921 को एक शाही उद्घोषणा द्वारा नरेंद्र मंडल की स्थापना की गई थी दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भारत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई थी? बताइए इसमें चार ऑप्शन में से आपको कौन सा होगा? इसका सही आंसर है दोस्तों उरांव जो था वो जनजाति ताना भगत के साथ जुड़ा हुआ थे। ताना भगत उरांव जनजाति की एक शाखा है। जत्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत अप्रैल 1914 में ईस्वी में किया। यह आंदोलन कृषि अर्थव्यवस्था जनजातीय संस्कृति तथा संचित असमानता के साथ संबंधित था। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, उसका 24 नंबर क्वेश्चन है, जो पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया? चार ऑप्शन आपके सामने है, दामोदर, नर्मदा, पोनार, ब्यास। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, ब्यास नदी पर बनाया गया। चलिए दोस्तों इस नदी के बारे में हम लोग जान लेते हैं, पोंग बांध को ब्यास बांध से के नाम से भी जाना जाता है आपको, और इस ये क्वेश्चन में ब्यास बांध भी दे सकता है या ऐसे दे सकता है। ब्यास नदी की जिसे भी जाना जाता है, ये मिट्टी से निर्मित एक तट बांध है जो हिमाचल प्रदेश में तलवारा के ऊपरी धारा पर ठीक ब्यास नदी पर स्थित है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 25 नंबर, राज्य का एक अनिवार्य तत्व निम्न में से कौन सा है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है दोस्तों, बताइए कौन सा है। 25 नंबर का इसका सही आंसर है दोस्तों डी है, इसमें से सही है, प्रभुता भी है, शासन भी है, राजतंत्र भी है, इसलिए इसका आंसर सही सभी हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, दुधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, बताइए क्या होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों उत्तर प्रदेश में है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं,
यूरेनस सूर्य से डैश डैशवां ग्रह है, पहला तीसरा पाँचवा और सातवां। इसका सही आंसर है दोस्तों सातवां, डी नंबर ऑप्शन। चलिए दोस्तों इसके बारे में जान लेते हैं। यूरेनस को हम लोग अरुण ग्रह के नाम से भी जानते हैं। यूरेनस जो है सूर्य से सातवां ग्रह, यह सौरमंडल में तीसरा सबसे बड़ा त्रिज्या तथा चौथा सबसे बड़ा द्रव्यमान वाला ग्रह है। चलिए दोस्तों 28 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग कितनी है? चार ऑप्शन दिया गया, आपको बताइए इसमें से कौन सा होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों एक नंबर ऑप्शन, 121 करोड़। 2011 में भारत की जनसंख्या के अनुसार, जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी 121 करोड़। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका नहीं है? आपको चार ऑप्शन में दिया गया और पूछ रहा है कौन सा नहीं है। इसका सही आंसर है दोस्तों एक ए नंबर ऑप्शन, फटाफट, ये आपको याचिका नहीं है, बाद में की सारी याचिका है, बंदी प्रत्यक्षीकरण निषेधाज्ञा क्यों वारंटो, ये सब इसका आपको याचिका है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन, बिहार की कौन सी भाषा जो संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है? बताइए चार ऑप्शन में। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, मैथिली। चलिए दोस्तों इसके बारे में हम जान लेते हैं। जब संविधान 1950 में, संविधान को कब लागू किया गया था? जब संविधान को 1950 में लागू किया गया, जब संविधान को 1950 में लागू किया गया तो उसकी 8वीं अनुसूची में 14 भाषा थी। उसके बाद संशोधन के बाद 8वीं सूची में 22 भाषा हो गई। इसमें बिहार की मैथिली भाषा को 92वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है, वनस्पति जगत में निम्नलिखित में से किसको जल स्तर स्थलचर उभचर कहते हैं? बताइए चार ऑप्शन में किसको कहते हैं दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, बायोफाइटा। चलिए दोस्तों वनस्पति जगत में बायोफाइटा को जल स्थल चर कहते हैं। इसे प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है। इसे क्या माना जाता है? प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है, जैसे मार्कोसिया मास एंथोसिरोस ये सबको। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, 32 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, सीमा पर प्रदूषण या अमल वर्षा का कारण क्या? चार ऑप्शन को दिया गया, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या नाइट्रोजन ऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। इसका सही आंसर होगा दोस्तों, सही आंसर है दोस्तों कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना को की व्याख्या किसकी कौन सी अति से मिलता है? गति से के नियम से मिलता है, आपको चार ऑप्शन दिया गया है दोस्तों। इसका सही आंसर दोस्तों बी नंबर ऑप्शन, न्यूटन के प्रथम गति के नियम से। अगर आपने नहीं पढ़ा तो न्यूटन के प्रथम गति को पढ़ लीजिए, फिर आपको पता चले जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण को 15 डिग्री से घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण किस कोण से मुड़ेगी? आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसको कैसे निकालते हैं दोस्तों? परावर्तित किरण निकालने के लिए तो फॉर्मूला 2θ होता है दोस्तों, जैसे थीटा 2θ हो गया, तो 2θ हो गया तो 15 × 3 हो गया, तो 15 × 2 हो गया, तो 15 × 30 हो गया, ये 30 था, इसका बी नंबर हुआ 30 डिग्री। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं। बिहार में आने वाले विदेश यात्रियों का सही क्रम क्या है? बताइए दोस्तों इसमें से क्या आंसर होगा 35 का। इसका सही आंसर है दोस्तों, इसका क्वेश्चन हम आपको फिर से पढ़ देते हैं। बिहार आने वाले विदेश यात्रियों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही आंसर देने के लिए आपको 3 सेकंड मिलते हैं दोस्तों, बताइए। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर, अब्दुल लतीफ़, मोहम्मद सादिक और मुल्ला बहबानी। चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। देखिए मोहम्मद अब्दुल लतीफ ईरानी यात्री था जो 1600 ईस्वी में बिहार आया था। अपने बिहार के का पटना सासाराम नगरों का विस्तार में वर्णन किया है। और मोहम्मद सादिक जो 1620 में बिहार आने वाला दूसरा ईरानी यात्री है। इसने पटना की सुंदरता एवं गौरव की चर्चा की है और सादिक की यात्रा की विस्तृतता को सुबह सादिक के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। 36 नंबर मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों, 20 कलम और 35 पुस्तक
35 पुस्तक का रुपया 1100 में खरीदता है। यदि कलम का औसत मूल्य 13 रुपया तो पुस्तक का औसत मूल्य बताएं, पुस्तिका का औसत मूल्य बताएं। जैसे उसको आपको हम हल करके बताएंगे दोस्तों इसको हम बनाएंगे कैसे x मान के। जैसे पुस्तिका का औसत मूल्य मान लेंगे x, ठीक है दोस्तों, इसका मूल्य मान लेंगे x। उसके बाद देखते हैं उसका क्या करेंगे, 20 गुना 13 करेंगे। देखिए 20 गुना 13 तो 20 कलम का मूल्य, यदि कलम का औसत मूल्य पर मूल 13 रुपया, तो इसको क्या करेंगे 20 गुना 13 कर लेंगे। ऐसे देखिए 20 गुना 13, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, फिर 35x प्लस 35x इसकल टू कितना में उसका कर रहा है, इसको कर रहा है 1100। तो इसका कैलकुलेशन तो आप आराम कर सकते हैं दोस्तों, हम कैलकुलेशन भी करके आपको बता सकते हैं दोस्तों। अब देखिए 13 दुना 26 हो गया, 260 हो गया, ठीक है दोस्तों। ये 35x होगा यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पर पुस्तक औसत का यहाँ पर मानी है ना, ठीक है। एक बार फिर से आपको हम बता रहे हैं, देखिए दोस्तों क्या करेंगे, 20 गुना 13, ठीक है, प्लस 35x इसकल टू 1100। ये कैलकुलेशन कर लीजिएगा, आपका सोल्यूशन निकल जाएगा, हम आपको बता देते कितना आ जाएगा। देखिए 13 दुना 26 तो 260 आ गया, 260 प्लस 35x, या फिर हमें x छोड़ दिए, प्लस 35x इसकल टू 1100, ठीक है दोस्तों, 1100 हो गया। इसका क्या कीजिए, 35x इसकल टू 1100 माइनस 260 कीजिए, कितना आ जाएगा x, इसको 840 आ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 840 बटे 35 हो जाएगा। इसको काटिएगा कितना से कटेगा, ये कट जाएगा आपको 24 है, 24 गुना 35 कीजिएगा तो आपको 840 आएगा। इसका आंसर हो जाएगा आपको 35, क्या कहते हैं 24, इसका आंसर होगा डी नंबर ऑप्शन 24। 840 बटे 35 कीजिएगा तो 24 से आपको ये कट जाएगा, 840 आएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 36 नंबर पर क्वेश्चन पर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, एक कमरा जिसकी आयाम 10 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर, तो उसमें सर्वाधिक कितनी लंबी छड़, लोहे की छड़ रख सकते हैं, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको कैसे निकालेंगे इसका। देखिए लोहे की अधिकतम लंबाई बराबर कर क्या निकालेंगे, रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर करेंगे दोस्तों, एच स्क्वायर कर देंगे। आप कैलकुलेशन करके तो इतना निकाल ही सकते हैं आप लोग, नहीं तो हम फिर भी हम कैलकुलेशन कर देते हैं दोस्तों, बता देते हैं आपको। देखिए इसमें क्या होगा, रूट अंडर आपको क्या क्या दिया है, 10 का स्क्वायर कीजिएगा, 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर आपको गया 100, 8 का स्क्वायर हो गया 8×8=64, ये हो गया 6×36। अब टोटल तो योग कर ही सकते हैं आप लोग दोस्तों, इसका योग हो जाएगा आपको रूट अंडर 200 हो जाएगा। तब इसको अलग रूट से अलग कीजिएगा तो रूट अंडर 10√2 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर ऑप्शन दोस्तों, 10√2। उसका चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्रमागत सात धनात्मक पूर्णांकों का औसत 26 है, इसमें सबसे छोटी संख्या, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो हमको लगता नहीं हमको बताना पड़ेगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा सी नंबर ऑप्शन 23। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है 39 क्वेश्चन दोस्तों, यदि दो वर्गों के क्षेत्रफल के बीच का अनुपात 9:1 है तो उनके परिणामों के बीच का अनुपात क्या होगा। तो इसमें बहुत ईजी है दोस्तों, इसमें क्या कह दीजिएगा, इसका इसमें होता है भुजाओं का अनुपात, इसमें जो भी दिया रहेगा तो उसको रूट अंडर कर दीजिएगा, इससे 9:1 इसका हो गया 1 कर दीजिएगा तो उसको 3:1 निकल जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3:1 बी नंबर ऑप्शन दोस्तों। ये सब ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से बना लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, एक आयत जिसकी एक भुजा 144 मीटर है का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल के समान है, जिसकी एक भुजा 84 मीटर है तो आयत की चौड़ाई ज्ञात करें, तो इसको कैसे निकालिएगा दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं। चलिए दोस्तों इसमें क्या करेंगे, जैसे पूछ रहा है आपको आयत की लंबाई, तो आयत की इसमें लंबाई बराबर मान लेंगे एक्स दोस्तों, आयत की चौड़ाई बराबर मान लेंगे एक्स, तो इसको फिर क्या करेंगे दोस्तों, चौराहे हो गया तो x गुना 144, एक आयत जिसकी एक भुजा है 144 मीटर, तो इसको क्या करेंगे ना, x गुना 144 हो जाएगा दोस्तों, x गुना 144। उसके बाद क्या करेंगे, इक्वल टू 84 गुना 84, देखिए x गुना 144 इक्वल टू
इक्वल टू 84 गुना 64। तो अब इसका सोल्यूशन तो आप लोग कर ही सकते हैं। चलिए फिर भी हम आपको बता देते हैं, तो 84 गुना 84 84। एक मिनट दोस्तों, देखिए दोस्तों इसमें हम लोग को प्रॉब्लम आ गया था, थोड़ा लिखने में इसलिए मैं आपको छोड़ देते, फिर से हम बता देते हैं। एक्स गुना 144, फिर करेंगे 84 गुना 84 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इसका x बराबर कितना निकल जाएगा आपको देखिए, x बराबर हो जाएगा 84 गुना 84 बटा 144। तो इसका आप तो काट कूट कर दे सकते हैं दोस्तों, फिर भी हम काट कूट के आपको बता देते हैं। तो बराबर 144 हो गया दोस्तों, अब 12 × 7 = 84 हो गया, तो ये भी 12 × 7 = 84 हो गया, 7 × 7 = 49 हो गया। इसका आंसर आ जाएगा 49 दोस्तों, सी नंबर ऑप्शन। कैलकुलेशन में कोई दिक्कत होगा तो बताइए दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन कह रहा है 1980 रुपये को ए बी सी में इस तरह विभाजित करें कि ए का आधा भाग और बी का एक तिहाई भाग और सी का 1/6 भाग का बराबर हो, तो बी का क्या भाग होगा बताइए दोस्तों, इसको कैसे करेंगे। ये तो बहुत ही ईजी क्वेश्चन है दोस्तों, कैसे करेंगे देखिए। ए बी सी का रेशियो दिया गया है, देखो 2:3:6, तो ए को कह रहा आधा तो 2 हो गया, बी का कह रहा 1/3 तो 3 हो गया, इसका कह रहा है 1/6 हो गया। तो इसको ऐसे मान लीजिए, फिर कैसे कीजिएगा, ए बी सी का रेशियो हो गया 2:3:6, ठीक है दोस्तों। अब इसमें क्या करेंगे, 3/ किसका पूछ रहा है, 3/2 + 3 + 6 और गुना कर देंगे कितना, 1980। अब ये कैलकुलेशन तो आप कर ही सकते हैं दोस्तों, 1980 कैलकुलेशन करके भी आपको हम बता दें। तो ये 6 × 3 = 9, 9 × 3 = 11 हो जाएगा दोस्तों, 3 × 11 देखिए फिर से 3 × 3 = 11, 1980। अब इसका काटिएगा दोस्तों, इसको इसका इससे गुना कीजिएगा तो आपको 540 हो जाएगा, 5940 हो जाएगा, 5940 × 11। इसको इससे काटिएगा तो 540 आ जाएगा दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा 540। काट के देख लीजिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है डी नंबर ऑप्शन 540। चलिए दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन पाते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 42 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसको औद्योगिक अंतर्वाहक के कारण होने वाले जल प्रदूषण को नियंत्रित करने उपयोगी पाया जाता है। इसको आपको 4 ऑप्शन देकर बताना है कौन सा सही है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन है दोस्तों डी नंबर, बी और सी दोनों। देखिए हाथी घास और पाथोनियम जो होता है, ये दोनों होता है जल प्रदूषण को रोकने का काम करती है दोस्तों, नियंत्रण करने का काम करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथ से रिलेटेड है। एक समकोणीय वृत्तीय बेलन की ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, इसका वृत्तीय सतह क्षेत्रफल 924 वर्ग मीटर है सेंटीमीटर है, तो इसका आयतन बताइए। देखो आपको हम अच्छे से बताएंगे, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। दोस्तों पहले हमको निकालना क्या है, देखिए वर्क पीस्ट का क्षेत्रफल हमको दिया है 924, ठीक है। तो वर्क पीस्ट का क्षेत्रफल हमको आता है, इसका फॉर्मूला होता है 2πRH। देखिए पहले वर्क पीस्ट का क्षेत्रफल बराबर दिया है हमको 924, ठीक है दोस्तों। तो 924 बराबर हो गया 2πRH, ठीक है, 2πRH, 2πRH। देखिए अब 924 बराबर लिख देंगे, अब देखिए 2 × π का मान हो गया 22/7, आप लोग सभी जानते हैं पाई का नामांतर होता है 22/7। आर निकालना है दोस्तों, r × 21 कर देंगे, r × 21, ठीक है। आप कैलकुलेशन तो करना ही जानते होंगे दोस्तों, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। अब क्या करेंगे, r बराबर होगा आपको दोस्तों 924 × 2 × 22 × 3, ठीक है दोस्तों। दोस्तों इसका गुना करके हो जाएगा आपको 924 × 66 हो जाएगा, नीचे में गुना कर 22 × 44 = 66, दोस्तों यहाँ पे 924 × 132 हो जाएगा, 132 होगा, 132 × 7 कीजिएगा तो इसके 7 से कट जाएगा, तो आपको r = 7 निकल गया दोस्तों, ठीक है, r = 7 निकल गया। फिर कैसे क्या निकालने का रहा है दोस्तों, हम लोग को बेलन का आयतन पूछ रहा है, तो बेलन का आयतन बराबर होता है πr²h, आयतन बराबर होता है v = πr²h,
पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है दोस्तों पाई आर स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हम इसका मान बैठा देंगे 22/7, 22/7 गुना आर का मान हो गया 7 गुना 7, एच का मान हो गया आपको 21। यहाँ से तो आप लोग कैलकुलेशन कर ही लीजिएगा दोस्तों, बहुत ईजी कैलकुलेशन है। तो 7 + 21 कट गया, तो 7 × 7 = 49 हो गया। फिर भी हम आपको कैलकुलेशन करके बता देते हैं, क्लियर नहीं किए तो 22 × 49 = 3 हो गया दोस्तों, टोटल हो गया 22 + 66 × 49, इसका हो गया आपको 3224 घन क्यू, 3224। इसका आंसर देखिए कौन सा होगा दोस्तों, 3224 सी नंबर ऑप्शन होगा इसका, घन सेंटीमीटर। समझ में आएगा तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर। यदि हम समुद्र तट पर बैठ के दो सूर्य अस्तों के बीच बीतने वाले समय को मापें तो उससे हम अनुमान क्या लगा सकते हैं, बताइए। आपको चार ऑप्शन दिया गया, बताइए दोस्तों 44 का कौन सा होगा। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, पृथ्वी की त्रिज्या। इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए दोस्तों 45 नंबर क्वेश्चन है, भूरी सकरा के विलयन को विरंजित करने के लिए उपयोग में लाए जाने वाले कोयले या चार कोल को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं। इसका सही आंसर बताइए दोस्तों, का सही आंसर है दोस्तों जातव चारकोल, इसको क्या कहते हैं जातव चारकोल। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका साइंस का क्वेश्चन है दोस्तों। किसी वस्तु जिसकी मात्रा 20 किलोग्राम है पर 100 न्यूटन का बल कितने समय तक आरोपित किया जाए ताकि उसे 100 न्यूटन मीटर पर सेकेंड की गति मिले, बताइए इसमें से इसको कैसे बनाएंगे दोस्तों। इसको बनाने के लिए देखिए दोस्तों, इसको हम लोग फार्मूला से सॉल्व करेंगे। देखिए एफ बराबर फोर्स बराबर हो गया कि आपको समझ में 100 न्यूटन, क्या हो गया फोर्स बराबर हो गया 100 न्यूटन। देखिए दोस्तों उसके बाद आता क्या मास हो गया 20 किलोग्राम, ये हो गया। उसके बाद आपको वी बराबर उसका आपको निकालना, पहले हम लोग एस्केलेशन निकालेंगे, ए निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, फोर्स बराबर एस्केलेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, एस्केलेशन बराबर होता है फोर्स बाय मास, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या हो गया, फोर्स आपको 100 न्यूटन का हो गया और मास हो गया आपको 20 किलोग्राम, तो 20 × 100 तो इसका हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है दोस्तों 5 मीटर पर सेकेंड। आज में नेक्स्ट फार्मूला क्या लगाएंगे, इसका फार्मूला होता है वी बराबर यू प्लस ए टी, वी बराबर यू प्लस ए टी, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखिए क्या हो गया, वी हमको हो गया 100, वेलोसिटी कितना हो गया 100, यू हो गया 0, ए प्लस ए तो निकाल लिया दोस्तों कितना आया 5, आई हो गया टी, इससे हमको निकल जाएगा टी निकल जाएगा दोस्तों, टी बराबर हो गया 100/5, फिर हो गया 20 सेकेंड। देखिए कौन सा आंसर है दोस्तों, सोल्यूशन है आंसर में कौन सा है, बी नंबर ऑप्शन 20 सेकेंड हो जाएगा दोस्तों। इसे बहुत ईजी है दोस्तों, फार्मूला याद रखेगा आराम से बना लीजिएगा। चलिए उसके बाद आते हैं दोस्तों 47 नंबर का, औद्योगिक क्षेत्र में लैंड के लिए परिवेशी आयु गुणवत्ता मानक का 24 घंटे का औसत क्या होगा दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा आपको। इसका सही आंसर है दोस्तों डी नंबर ऑप्शन, 1.5 UG/m³। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं 48 नंबर, पोटासियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। इसका पोटासियम परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है दोस्तों, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े हैं तो 1s2 2s2 2p6 जो होता है उस पर हम लोग को निकालना पड़ता है। इसका सही आंसर है दोस्तों सी नंबर ऑप्शन 2881। तो इसका कैसे होगा, KLmN होता है दोस्तों, तो इसमें 2 हो गया 8 हो गया फिर 1 हो गया, ऐसे निकालते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं, वह देश कौन सा है जिसमें डीप सिंचाई का प्रयोग अधिक कुशलता से किया जाता है, बताइए दोस्तों। इसका सही आंसर है दोस्तों बी नंबर ऑप्शन इसराइल। डीप सिंचाई के लिए प्रचलित करने वाला श्रेय इसराइल और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों को दिया जाता है। उसका देखिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन पर जाते हैं दोस्तों। चलिए क्या है लास्ट क्वेश्चन, निम्न मानव निर्मित विविधताओं में कौन सी सामाजिक रूप से प्रेरित है, बताइए इसमें से कौन सा होगा दोस्तों। इसका सही आंसर है सी नंबर गृह दाह। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। हम रेगुलर बहुत जल्दी अगला वीडियो लाएंगे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट 5 दोस्तों। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।